एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन में दीपक हुड्डा को कैच कर लिए गए और यहाँ पे देखते हैं अब आखिर अंपायर का निर्णय क्या रहता है। फिर से रेड के ऊपर देखिए, अच्छी कोशिश और शानदार रेड, यहाँ पे दो पॉइंट के साथ जबरदस्त छलांग लगाई। चुनौती एक दूसरे के लिए, दीपक हुड्डा अकेडमी वर्सेज जींद के बीच ये कड़ी टक्कर। टाइम आउट लिया इसी के साथ। ये बड़ा मुकाबला दीपक हुड्डा जो कि आप अपने आप को प्रो कबड्डी में देखते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कैच किया है इसी स्टार को और छोड़ने वाले नहीं जींद के ये जाबांज। जबरदस्त कैच समारिया की टीम ऑल आउट की कगार पे। ऑल आउट यहाँ पे दीपक हुड्डा की टीम। 14 अर्जुन अकेडमी जींद, तो दीपक हुड्डा की टीम को जबरदस्त टक्कर। और इस समय खुश नहीं होंगे अपने प्रदर्शन से दीपक हुड्डा और उनके खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन अभी तक। यहाँ पे अच्छा कार्य किया, एक अंक बटोरने में कामयाब। विकास सरपंच गोकल और विनोद कुमार जी सरपंच आदमपुर, उन्हें मंच पे आ जाएं। अर्जुन अकेडमी जींद की जबरदस्त टीम आदमपुर, और जो टक्कर है उन्होंने दी है वो लाजवाब। एक बार फिर से सुरक्षित वापस से आपके द्वारा हमारे घनिष्ठ साथी श्री धर्मवीर सिंह उर्फ बाणिया ठेकेदार कसोला को मेमेंटो देकर के सम्मानित करेंगे। टच पॉइंट, जी हाँ, दीपक हुड्डा की टीम के खाते में एक अंक। और जिस इरादे के साथ यहाँ पे खेलने के लिए आए थे उस इरादों पे लगता है खरे उतरना मुश्किल है। पहले मैच में तो शानदार जीत दर्ज की थी दीपक हुड्डा की टीम ने, लेकिन अर्जुन अकेडमी के सामने नतमस्तक दिखाई दे रही है कुछ हद तक। दाते नहीं होगी जींद अकेडमी टीम की। चेयरमैन साहब मैच को रोक लेना, ऑफिशियल हम करेंगे। श्री धर्मवीर खाली हाथी वापस लौटे टीम में जाकर, दबाव में दिखते हुए इस समय श्री रविंदर कुमार दीपक हुड्डा रविंदर कुमार टीम के स्टार। आर्यन कोचिंग सेंटर दादरी श्री नरेश कुमार जी ठेकेदार विकास ठेकेदार जो जो खुरद श्री सुशील कुमार जी ठेकेदार साहब आप आए प्लीज आपको खिलाड़ी। अरे वाह, छलांग लगाई और शीनी से लगा लिया, तुमने पुकारा और हम चले आए। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, स्वीकार किया कैच करते हुए रडर को। एरो एक और अंक, खिली हुई धूप, शानदार कंडीशन। झुंझुनू जिला दादरी हरियाणा की सरजमी पे ये विशाल कबड्डी प्रतियोगिता अंतिम दिन प्रतियोगिता का और सेकंड राउंड का ये मुकाबला। इस समय पसीने में तर बतर भीगे हुए शानदार कबड्डी खेल का मुजाहिरा इस समय झोझू की पावन पवित्र धरा पर टीम में जाकर वापस लौटे। रोहतक की तरफ से डिसाइड रेड और सोनू इस समय डिसाइड रेड करता हुआ। तो जींद जो अर्जुन अकेडमी है उसने जो खेल दिखाया है वो लाजवाब, और इसी के साथ टाइम आउट। एक बार फिर से तीन नंबर जर्सी में अपने बुला लिया अर्जुन अकेडमी जींद के स्टार ने बोनस के लिए बेहतरीन ट्राई किया है। क्या यहां बोनस मिलेगा? जी हां, बोनस अर्जित किया है। इसी के साथ टाइम आउट लिया है। चलिए नितिन अंडर प्रेशर है इस समय दीपक हुड्डा अकेडमी जींद अकेडमी के सामने दबाव में और जबरदस्त प्रदर्शन इस समय
जहाँ तक अर्जुन एकेडमी जींद का सवाल है, ढोला दमदार प्रदर्शन पे। सुरेंद्र है सेक्रेटरी साहब, सुरेंद्र जी कुब्जा नगर क्यों आ गया आपका कैच करने की कोशिश, और पकड़े गए। जी हाँ, एक अंक दीपक हुड्डा टीम को। टाइम आउट, पहले आपका खेल इसी के साथ, दूसरे आपका खेल शुरू। 15 पॉइंट अर्जुन स्टेडियम, नितिन मोर्चे पे अच्छी ट्राई करते हुए इस समय जबरदस्त छलांग लगाई और एक पॉइंट के साथ घर वापसी। दीपक हुड्डा की टीम वापसी करती हुई धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो माली से चेस बड़ा इस खिलाड़ी के पास ऋतु आए फल हो खाली हाथी डी में जाकर नितिन इस समय एक बार फिर उदयमान खिलाड़ी युवा स्टार सुपर टेकल ओन इसलिए चांस लेना चाहिए हमारे लिए बड़ी खुशी लेकिन सुरक्षित ही वापस लौटे हमारे धर्मवीर सिंह जी और ट्रेजरर माननीय श्री मांगेराम जी धीमे जाकर वापस फिर से जो रास्ता वहां से लेके आना रास्ते से लेके आओ भाई दो डायरेक्ट है बोनस का अच्छा ट्राई थोड़ा सा दबाव होगा इस समय कैच कर दिया गया अपने ही जाल में फंसे और अब नितिन डोर डायरेक्ट पे सुपर टेकल ऑल इसलिए थोड़ा सा पलटा नितिन का मजबूत होना चाहिए और यदि कैच करते हैं तो 2 पॉइंट सीधे अर्जुन एकेडमी की झोली में जाएंगे वापसी के लिए कैच करना जरूरी गलती की है चांस था कैच करने का लेकिन मौका गंवा दिया एक नंबर जर्सी में इस समय जींद के स्टार दबाव में है इस समय इसलिए अंतिम खिलाड़ी चांस लेना चाहिए और यहाँ पे रेडर आउट इसी के साथ ऑल आउट 3 पॉइंट सीधे दीपक हुड्डा की टीम के खाते में स्कोर है इस समय दीपक हुड्डा टीम का 18 जबकि जींद का 15 और ये लीजिए 16 अंक 19 अंक सुरेंद्र कुमार हुड्डा टीम के खाते में दीपक हुड्डा वर्सेज अर्जुन एकेडमी जींद जबरदस्त चुनौती मजबूत दो टीमें आमने सामने सेफ ही वापस से। और अब सोनू साथ ही साथ निवेदन करेंगे डीपी नरसिंह सांगवान जी महासचिव सोनू धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आप भी आए मान्यवर आइए सर प्लीज आपके द्वारा हमारी कन्या कॉलेज समिति के प्रधान श्री धर्मवीर सिंह जी CID को पगड़ी बांध कर सम्मानित करना है समय नहीं बचा है सुरक्षित आना चाहेंगे नरसिंह आप इस साइड आ जाएं और शानदार रेड इस समय वाह 2 पॉइंट अर्जित किए 17 पॉइंट अर्जुन स्टेडियम जींद और 19 पॉइंट चवारिया अब सिर्फ 2 अंकों की लीड है ज्यादा अंतर नहीं और ये लीजिए 1 पॉइंट गलती करते हुए गंवाया एक और अंक की लीड इस समय पांच नंबर जर्सी में अर्जुन एकेडमी जींद कैच करने की कोशिश और हुड्डा ने थाम लिया मजबूती से सोनू चले दीपक हुड्डा अगर यहाँ से बाजी हारते हैं तो निश्चित रूप से
काफी निराशाजनक प्रदर्शन होगा उनकी टीम का, क्योंकि इतने बेहतरीन स्टार टीम को नहीं जिता पाते हैं तो स्वाभाविक है, लाजमी है निराश होना। एक बार फिर से डी में जाकर खाली भाई मोहित शर्मा जी मंच पे आ जाए। मोहित जी पॉइंट की तलाश में इस समय अर्जुन अकेडमी हुड्डा टीम के सामने। दीपक हुड्डा जबरदस्त कबड्डी के स्टार और उतना ही बेहतरीन मुकाबला इस समय। एक बार फिर डी में जाकर खाली हाथ ही लौटे नितिन, फिर से रक्षात्मक रवैया। जानते हैं कि टीम के पास बढ़त है इसलिए जोखिम ना उठाया जाए। दूसरे आपका खेल झोजू जिला दादरी हरियाणा विशाल कबड्डी प्रतियोगिता अंतिम दिन दूसरे राउंड का पहला मैच, फिर वही पुनरावृत्ति। बोनस की तलाश में फिर वही पुनरावृत्ति इस छोर से भी। नितिन 18-21 का स्कोर नितिन इस समय रेड करता है। और भाई चमारिया टीम की बात करें तो साथियों नितिन ने ही लगातार स्कोर किया है दो ढाई रेड पर, थर्ड रेड इसलिए पॉइंट चाहिए चाहिए। टच पॉइंट यहां देखते हैं, बिल्कुल जीवन को टच किया पॉइंट अर्जित किया। एक अंक अर्जित किया जी हाँ, तो दबाव में फिर से आ गया है इस समय अर्जुन अकेडमी हुड्डा टीम के सामने। कैच कर लिया गया शानदार प्रदर्शन का बेहतरीन ब्लॉक अमित हुड्डा और फिर ग्राउंड नंबर 2 पर यूपी हुड्डा वर्सेस आशावास ये सभी टीमें तैयार रहे। सोनू ऊंचा लंबा कद सुपर टेकल ऑन खिलाड़ी साथियों सोनू इस समय रेड पर, लेकिन फिर से निराशा ही हाथ है। जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि समय ज्यादा नहीं है अर्जुन अकेडमी के खिलाड़ियों को। नितिन सुपर टेकल का फायदा उठा पाते हैं कि नहीं, सिर्फ 3 डिफेंडर। बढ़त दीपक हुड्डा टीम के पास इसलिए गलतियों से बचना चाहेगा इस समय नितिन और उनकी टीम। एक बार फिर बिना किसी पॉइंट के वापस आना पड़ा नितिन को, इसलिए टाइम आउट लिया है। टाइम आउट के बाद फिर से खेल शुरू। 5 अंकों की लीड दीपक हुड्डा टीम के पास, 18 के मुकाबले 23 स्कोर। अर्जुन अकेडमी वापसी के लिए स्ट्रगल करता हुआ, अच्छा ट्राई टच पॉइंट का और मिलना चाहिए पॉइंट यहां पे। एक अंक जी हाँ, डोर डाई रेड पे अब वाह टच किया सीने को जी हाँ, एक अंक देर आए दुरुस्त आए। काफी देर के बाद ये अंक अर्जित किया है अर्जुन अकेडमी के रेडर ने, लेकिन अभी भी सुपर टेक अलाउन, स्थिति अच्छी नहीं। बढ़त बरकरार है दीपक हुड्डा टीम की। अर्जुन अकेडमी जींद के सामने संघर्ष करता हुआ इस समय। सोनू लगातार बगैर कोई पॉइंट अर्जित किए आ रहे हैं वापस से, इतना ऊंचा कद उसके बावजूद भी देखिए, फिर खिलाड़ी का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता यदि आप इतना ऊंचा कद होने के बावजूद बार बार और लगातार खाली हाथ ही वापस आते हैं तो प्रतिभा आपके दौरान आपके अंदर नजर नहीं आती। आखिरी 5 मिनट से 5 मिनट का समय बाकी, 5 पॉइंट का लीड 5 मिनट से, क्या 5 मिनट के समय में वापसी कर पाएगा जिंद? ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस समय अंकों की अगर बात करें तो, फिर वही पुनरावृत्ति। सबसे ज्यादा स्कोर किया है धीमे जाकर वापस से नितिन है मोर्चे पे। छलांग लगाई है चकमा दिया और पहुंच गए लक्ष्य तक सुपर डुपर रेड। यहां पे देखते 3 पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट यहां पे दिए गए ऑल आउट और 5 पॉइंट दिए हैं इसी बीच, क्योंकि तीनों खिलाड़ियों को टच किया था और जबरदस्त रेड लेके आए नितिन की सुपर डुपर रेड
पंजा जड़ दिया और बढ़त बरकरार दूसरे नितिन। और यहां पे सफल रेड है सोनू की दो पॉइंट के साथ। अभिनंदन किया जा रहा है, आप आगे बढ़ते रहे। 31-19 का स्कोर इंदौर और रोहतक। अच्छी स्थिति में इस समय दीपक हुड्डा टीम, अंतिम समय पिछड़ते हुए नितिन डी में जाकर वापस। नितिन ने अब तक सबसे ज्यादा स्कोर अर्जित किया है। अंतिम दो मिनट का समय डूबोडाई रेड पे है, पांच नंबर जर्सी में 31 यानी 12 अंकों की लीड। कैच करने की कोशिश लेकिन एक पॉइंट अर्जित करता हुआ जींद। समझना हो तो भाई मनदीप डालावा से समझे। हमारी आयोजन समिति ने सुबह भाई साहब को 10 बजे का टाइम दिया, 10:15 बजे आप हमारे स्टेट ग्राउंड में पहुंच गए। सोनो और एक खिलाड़ी सेल्फ आउट, शेड्यूल नहीं हो पाया था, साइड लाइन से बाहर। और यहां पे भाई कहा कोई बात नहीं, गलती की है, दो पॉइंट यहां गवाए कुल मिलाकर। व्यवस्था सुचारू रखिए मैदान। और लीजिए इसी के साथ खेल खत्म और मुकाबला दीपक हुड्डा की टीम ने जीत लिया। बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिखाया और जीत दर्ज की है यहां पे। तो एक बार फिर से आपको वापस ले चलते हैं, शुक्रिया।